हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। हम जो है कि डिफरेंट कर्व इन इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें हम नेक्स्ट कर्व पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व के बारे में। ठीक, फिलिप्स कर्व के पूरा डिटेल के बारे में कि किस तरह आया था, इसका रिलेशनशिप क्या होता है, फिर इसका जितना भी डीप में एनालिसिस हम जो है कि नोट्स जो है कि वीडियो जो है कि नेक्स्ट में बनाएंगे, जब हम पूरा डीप में करेंगे, जिसमें हम नायडू और जो फ्रीडमैन का भी हाइपोथेसिस ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, तो वहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे हम जो है कि ये डिफरेंट कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ कर्व के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ बस रिलेशनशिप और जो है इसके डायग्राम को बताऊँगी। वहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट, नायरू और जितने भी केसेज होते हैं हमारे इन्फ्लेशन के, फिलिप्स कर्व है जो है हमारा मोडिफाइड फिलिप्स कर्व है, ये सारी चीज़ें और उसके जो मेजरमेंट के लिए कहन है, अरे एक होता है मेजरमेंट का फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। द फिलिप्स कर्व इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप बाई ए डब्ल्यू फिलिप्स। फिलिप्स कर्व ने हमारा जो है ए डब्ल्यू फिलिप्स ने दिया था फिलिप्स कर्व को, इन्होंने 1857 से लेके जो है 1958 तक जो है कि टाइम सीरीज डाटा का जो है एनालिसिस किया था। तो इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो है इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, और ये जो है कि रिलेशनशिप स्टेबल रिलेशनशिप होता है। और ये थ्योरी जो क्लेम करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कि अपने साथ इन्फ्लेशन को लेके आता है, तो विच इज टर्न शुड लीड टू मोर जॉब एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप इन्वर्सली है, क्योंकि हमारा जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो हमारे प्राइसेज इंक्रीज होते हैं और इन्फ्लेशन होता है। अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो या तो हम इन्फ्लेशन को इंक्रीज करें और एम्प्लॉयमेंट को जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करें, या तो इन्फ्लेशन को हम अगर कम रखना चाहते हैं तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, फिर उस एक हम जो है कि एक लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डेवलप कंट्री का होता है। लेकिन हमारा इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ परसेंट होता ही है। ठीक, हाउएवर द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हैज़ बीन समवॉट डिसप्रूवन एम्पिरिकली ड्यू टू द अकरेंस ऑफ स्टैगफ्लेशन इन द 1970s व्हेन देयर वाज हाई लेवल ऑफ बोथ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है वो डिसअप्रूव कर दिया गया 1970 में जब स्टैगफ्लेशन हुआ था। तो यहाँ पे इंडिया में भी हमारे जो है कि ड्राइनेस के वजह से और ड्रॉट की वजह से जो कि हमारा पड़ा, तो हमारे यहाँ भी प्राइसेस हाइक हो गए थे। तो यहाँ पे हम केवल डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम केवल कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप बताता है, तो उसी के लेके चलेंगे। तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन की वजह से, यहाँ पे क्योंकि स्टैगफ्लेशन का मतलब ही होता है कि हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है और आउटपुट जो है डिक्रीज होता है। कभी कभी हमारा पेपर में पूछता है स्टैगफ्लेशन का कि हमारा जो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो हाई इन्फ्लेशन प्लस लो आउटपुट। ठीक, ये हमारा होता है, आप बोल सकते हैं प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इसने जो है इन्वर्सली रिलेटेड बताया। और कभी भी ये जो कर्व है वो वाई एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा, ना ही वाई अक्ष को कट करेगा। ठीक, व्हेन प्रेजेंट और ग्राफिकली चार्टेड द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कॉल्ड एज फिलिप्स कर्व। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि नेक्स्ट कर्व के बारे में पढ़ेंगे, तो एंजॉय करो। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।